दूसरे दिन शाम को एक बार फिर लौटते हैं शहीद पूनम सिंह स्टेडियम में सांस्कृतिक संध्या के लिए। सांस्कृतिक संध्या की शुरुआत में बीएसएफ के जवान ऊंटों पर सवार होकर टैटू शो का आयोजन करते हैं। बीएसएफ के इस टैटू शो में ऊंटों द्वारा दिखाए गए करतब देखकर दर्शक दांतों तले उंगलियां दबा लेते हैं। अमोल सिंह राठौर के नेतृत्व में यह प्रसिद्ध ऊंटों का कारवां। आप दिल थाम के बैठिए दोस्तों, यहां आने वाले सैलानी मेहमानों का नतमस्तक होकर स्वागत न सिर्फ इंसान करते हैं बल्कि बेजबान जानवर भी आपको नतमस्तक होकर सलाम करने को बेकार। सलामी के बाद इस वक्त गर्दन झुकाकर सर झुकाकर आपको सलाम कर रहा है ये बेजबान जानवर रेगिस्तान का जहाज ऊंट। मैं चाहता हूँ कि सलामी पर आपकी जबरदस्त तालियों का तोहफा मिले मेरे सीमा सुरक्षा बल के जवानों को। ये सलाम आने वाले सैलानियों को, ये सलाम यहाँ आने वाले मेहमानों को, ये मेहमान नवाजी मेरे राजस्थान की। साथ दोनों टोलियां छह छह आमने सामने की क्रॉसिंग और गीत बज रहा है कोरो काजलियो और किसी तरह की कोई ट्रैफिक व्यवस्था में दखल नहीं, कोई ट्रैफिक पुलिस की जरूरत नहीं सीमा सुरक्षा बल के जवानों को। शानदार प्रदर्शन दोस्तों। और अब आप देखेंगे 12-12 ऊंटों की आमने सामने की बहुत खूबसूरत क्रॉसिंग का नजारा। आपकी शानदार तालियों का तोहफा चाहिए दोस्तों सीमा सुरक्षा बल को। सभी ऊंट डायगनल फॉर्मेशन अख्तियार करते हुए बैंक समो झूला राम भागा में झूला भगया हमारी बनी में झूलन भी जो बना गंग गजरा पर्दा बन रहा है दोस्तों। शानदार सर्टन हुए एक एक ऊंट की सुंदर क्रॉसिंग। अगर पानी ले रहे जाऊं सा नजर लग जाए और अब चारों कोनों में एक एक की बहुत खूबसूरत क्रॉसिंग मित्रों। क्या टाइमिंग है भैया, थोड़ी सी वजन जरा चढ़ रहा है। इस राजस्थान में तपती गर्मी मई और जून के जो लू के थपेड़े चलते हैं तब भी बड़ी शान और शौकत के साथ ये जाबाज अपने ऊंटों के साथ सीमा की सुरक्षा में लगे रहते हैं। में तीन तीन की क्रॉसिंग धुन है मथनो गयो एवर में कदरे भरियो एवर ये मथना रो। मैदान के ठीक बीच दोस्तों जलेबी का आकार बनाते हुए पहले गोल और फिर वी की शक्ल में बैंड समूह पर धुन सुन रहे हैं आप। मोर बोले मल जी पारा में
और जन रेलवे की फरमाइश पर रेलवे फाउंडेशन छह छह की क्रॉसिंग शानदार प्रदर्शन दोस्तों चार रास्ते जहां आकर मिलते हैं चौराहे का फॉर्मेशन सलामी के साथ एक बार फिर अपने गंतव्य की ओर बढ़ते हुए